सुप्रीम कोर्ट का तीन रुकनी बेंच 16 अगस्त को समाप्त करेगा। की दरख्वास्त जमानत समाप्त के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस चीफ जस्टिस एजाज उल हसन की सरबराही में कायम तीन रुकनी बेंच जो है वो 16 अगस्त को समाप्त करेगा। जो बेंच है इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। परवेज इलाही ने लाहौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का 17 जुलाई का फैसला करदम करार देने की इस्तदा की थी। दरख्वास्त गुजार को निगरान हुकूमत आते ही कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये मौकफ में जो है मजीद कहा गया कि दरख्वास्त गुजार को मुख्तलिफ मकामात और इंक्वायरियों में जली तरीके से मुलव्वज़ किया जा रहा है। अब मौकफ में मजीद ये कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट के एक रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार के 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। मजीद कहा गया है कि लाहौर हाईकोर्ट के एक रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को किसी भी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म दिया था। मौकफ इख्तियार किया गया कि हाईकोर्ट के एक रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को किसी भी जेरे अल्तवा इंक्वायरी में सुने बगैर गिरफ्तार करने से रोका था। दरख्वास्त गुजार तमाम दर्ज मुकदमात में जमानत बाद अर्ज गिरफ्तारी हासिल कर चुके हैं। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ बदनीति पर मबनी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मौकफ में यह भी दरख्वास्त की गई है कि दरख्वास्त गुजार के जिंदा रहने और आजादी के बुनियादी हकूकों की मुसलसल खिलाफवर्ती की जा रही है और इसके साथ ही जो है वो चीफ जस्टिस एजाज उल हसन की सरबराही में ये जो बेंच है अब ये 16 अगस्त को समाप्त करेगा। जी निसार आबिद, आपका बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे।